नमस्कार, कर्मभूमि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। खबर बद्रीनाथ केदारनाथ से जुड़ी है। जी हां, आपको बता दूं कि अब बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन करने के लिए ₹300 देने होंगे। ये जो फैसला लिया गया है वो बीकेटीसी की जो बैठक हुई थी उसमें लिया गया है। साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ में व्यवस्थाओं को लेकर बीटीसी की बैठक में 76 करोड़ का जो बजट है वो पास किया गया था। आपको बता दूं कि चारधाम यात्रा से पहले सोमवार को बीकेटीसी की बैठक हुई थी जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में वीआईपी को दर्शन के लिए ₹300 देने होंगे। साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में 2023-24 के लिए 76 करोड़ का बजट भी पास किया गया है। इस दौरान बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष गजेंद्र अजय का कहना है कि मंदिर समिति में जो बैठक और केदारनाथ धाम समेत समिति के अंतर्गत आने वाले अन्य मंदिरों में भी दर्शन को सुचारू करने और यात्रा के दौरान मंदिर समिति की संपत्तियों में सुविधाओं का विकास करने के लिए बजट को खर्च किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ और मंदिर में प्रोटोकॉल की व्यवस्था के लिए मंदिर समिति के कर्मचारी अधिकृत रहेंगे। बीकेटीसी का कोई भी कर्मचारी मंदिर परिसर मैदान यहाँ दक्षिणा नहीं लेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि मंदिर में आने वाले दान और दक्षिणा की गणना के लिए हाईटेक पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी। तो वहीं अब जो है वीआईपी दर्शन करने के लिए मंदिर जो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम है वहां अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो आपको ₹300 देना होगा। ये जो फैसला लिया गया है बीकेटीसी की बैठक में लिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। तो आप देखते रहिए कर्मभूमि टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।